પર સ્વકીલ અને બ્રિજેશ સિંહ જોડાયેલા છે, પરંતુ આગળ વધીએ તો અત્યારે એક સમાચાર પર ખાસ ફોકસ કરવો છે અને એ છે ઇન્ફોસિસ પર. જીએસટી કેસ મામલામાં ઇન્ફોસિસની સમસ્યાઓ આપણને વધી રહી છે અને એમને મળેલી જાણકારી અનુસાર લગભગ 28,500 કરોડના જીએસટી ટેક્સ મામલામાં સરકાર તપાસ કરી રહી છે. શું છે સંપૂર્ણ મામલો અને શું છે જીએસટીનો હિસાબ કિતાબ સમજીએ સંવાદદાતા લક્ષ્મણ રોય પાસેથી. લક્ષ્મણજી, ક્યા હૈ પૂરા મામલા ઓર ક્યા હૈ યે જીએસટી કી ડિટેલ્સ કો લેકર, ક્યુંકી હમે પતા હૈ થોડે દિન પહેલે હી જીએસટી विभाग से एक बड़ी नोटिस भी कंपनी को इश्यू की गई थी. देखिए, दरअसल इसमें दो बातें सबसे पहले साफ कर दूं. पहली बात कि इनकम टैक्स, माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इन्फोसिस वाले मामले की जांच कर रहा है. जांच को बंद नहीं किया गया है और इन्फोसिस ने कहा है कि 10 दिन के भीतर हम अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे. अब सवाल उठता है कि इन्फोसिस ने जब कहा था, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था 3 अगस्त को कि नोटिस को वापस ले लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न अब है कि आखिर क्या हुआ. तो दरअसल बताऊं कि इन्फोसिस को नोटिस दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए 32,400 करोड़ रुपये का जीएसटी का प्री शोकॉज नोटिस दिया गया था. अब इस जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का जो नोटिस है उसको प्री शोकॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है. इसकी रकम बैठती है कुल मिलाकर आपको 3,898 करोड़ रुपये, यानी 32,400 करोड़ रुपये में से 3,898 करोड़ का नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है. लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का नोटिस अभी भी बना हुआ है. उस अवधि के मामले की जांच चल रही है और उस पर अभी भी जीएसटी के ऊपर जो है जीएसटी को लेकर 28,502 करोड़ रुपए का नोटिस अभी भी बरकरार है इन्फोसिस को लेकर के. और डीजी जीआई जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और इन्फोसिस के अधिकारी डीजी जीआई के संपर्क में यहाँ पर हैं. शुक्रिया.